स्पेशली कपल लोगों के लिए बहुत फेमस है ये। यहाँ पे फुल एंजॉय कर सकते हैं आप पूरा दिन। आप गाइस ये है टिक्कर ताल। हाँ ऊपर चढ़ के वापिस। हाँ ये देख लो कहाँ घुस रहा है। चल गया रास्ता, ढूंढ ले अच्छे से, ढूंढ ले भाई। मिल जाए तो बता दिए मेरे को भी। अशोक भाई मिला तेरे को रास्ता? नहीं मिला। फाइनली भूत बंगले से निकल के अब जा रहे हैं भूत बंगले में। आइए देखते हैं भाई। मैं नहीं जा रहा भाई। चले भाई सब बहुत सही में थक गए यार। ऊपर से भूत बंगला, दोबारा ना जाऊंगा मैं तो इसमें। ये है छोटा ताल। कैसा लग रहा है? थोड़ा सा रह गया, थोड़ा सा रह गया। चल 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 चल। ये देखिए एक्सप्रेशन। हेलो फ्रेंड्स, माय नेम अशोक। एक्शन रिएक्शन चैनल में आपका स्वागत है। आज हम प्लान कर रहे हैं मोरनी का। हमारे साथ दो फ्रेंड और हैं, मशाल और मुकेश कुमार। कौन है ये लोग, कहाँ से आते हैं? आज बाइक पे राइड करके चंडीगढ़ से मोरनी जा रहे हैं, जो यहाँ से चंडीगढ़ तकरीबन 40 से 45 किलोमीटर दूर होएगा। बस वहाँ पे हम एंजॉय भी करेंगे, प्लस आपको सारी एक्टिविटीज आपको दिखाते रहेंगे। बने रहिए हमारे साथ। हम मिलते हैं मोरनी। अगर आप भी आना चाहते हैं, कहीं दूर से है, तो पहले आपको अपनी ट्रेन आपको बुक करनी पड़ेगी चंडीगढ़ के लिए पहले। उसके बाद आपको बस या टैक्सी हायर करनी पड़ेगी। और हमारे साथ ये है मशाल। हेलो मशाल अपना बाइक चला रहे हैं। और हमारे एक फ्रेंड है मुकेश। वेदर यहाँ का बहुत अच्छा है और ठंडा है। और व्यू देखिए, स्पेशली कपल लोगों के लिए बहुत फेमस है ये। तो हम कपल लोग आए हुए हैं। देखो एक ये कपल आगे बैठा हुआ है, एक वो पीछे आ रहा है। वहाँ पहुँच के आपको वहाँ का वेदर और आपको मोमेंट्स वहाँ पे दिखाते रहेंगे। तो बने रहिए वीडियो में हमारे साथ। हेलो दोस्तों, तो पहुंच चुके हैं यहाँ पे मोरनी में। हम हैं इस समय टिक्कर ताल। जो बड़ी वाली ताल है, एक छोटी वाली ताल है, वो पहाड़ी के उस पार है। यहाँ पे देखते बोटिंग वगैरह, एडवेंचर वगैरह सब कुछ है। खासकर एटमोसफियर तो ज़बरदस्त है यहाँ का और व्यू अल्टीमेट है। तो अगर आपको विजिट करना हो तो चंडीगढ़ से 40 से 45 किलोमीटर की दूरी पर है। आप चाहे बस से हैं, चाहे बाइक से, या टैक्सी कर सकते हैं आप वहाँ से आने के लिए। यहाँ पे फुल एंजॉय कर सकते हैं आप पूरा दिन। आप यहाँ पूरी मौज मस्ती कर सकते हैं। मैं सिर्फ यही कहना चाहूँगा अपने दोस्तों को कि आप अगर फैमिली के साथ आ रहे हो तो बेस्ट है, आप फ्रेंड्स के साथ आ रहे हो तो बेस्ट है, और अगर कपल्स आ रहे हो आप तो भी बेस्ट है। अरे कहना क्या चाहते हो? तो बात सिर्फ यही है कि अगर आप यहाँ पर आ गए, हम दारू वारू पियेंगे, कुछ इलीगल एक्टिविटी करेंगे, तो ऐसा आप ना करें तो आपके लिए बेस्ट रहेगा। जितने भी गवर्नमेंट रूल्स हैं वो यहाँ के बहुत सख्त हैं। तो आप ऐसे ही इलीगल एक्टिविटी बिल्कुल ना करें। आप आएँ, पारिवारिक माहौल बनाए रखें और सब इंजॉय करें। गाइस ये है टिक्कर ताल। बस वीडियो देखते हैं क्या कुछ चार्जेस है एंट्री के। मिरर वही वाले मिरर जो पिछली वीडियो में मैंने दिखाए थे। जब देखी नहीं रहा कुछ। बच्चे थक गए झूल झूल के, आधा घंटा झूलने ही झूल गए इतना फास्ट और अब पता चल रहा है कि शॉर्ट डिलीट कर दिया। सुंदर मशाल झूले पे चढ़ गए हैं, अब ये झूल के दिखाएंगे। बहुत ज्यादा दिखाई हो, ओहो ज्यादा ही खेली तो ना झूल लगता है। टच कर जाएगा ऊपर तक, अभी कह रहा तोंद कम कर लियो। अब ये बिंदर मचाल ये भी चढ़े, वो 1 पर्सन ही लिखा हुआ है। ओहो क्या बात है, नीचे आ तू, अरे हाथ में छोड़ दे बस। मैं चढ़ जाऊंगा, मैं चढ़ जाऊंगा। चल ठीक है फिर। पर अब क्या हो गया? पलटी वहाँ से ऊपर से ले रहे, हाँ ऊपर चढ़ के वापिस, हाँ सच्ची। ओए देख ले के पैर पैर ना फंसा लियो। ध्यान से भाई, चलो आजा वापिस, आजा आजा वापिस आजा। आजा भाई आजा वापस आजा, शाबाश बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। बैलेंस नहीं बनता ऊपर तक, कोई फर्क नहीं पड़ा। एक दिन में नहीं फर्क पड़ेगा भाई, अब ये पता लगा कि आदमी बड़े कैसे करते हैं। अब हम चलते हैं भूल भुलैया में, आइए। ये है भूल भुलैया, भूल भुलैया है। तो ये देख लो कहाँ घुस रहा है, मिल गया रास्ता, ढूंढ ले अच्छे से, ढूंढ ले भाई, मैं तो बता दी मेरे को भी। ये तो खत्म हो गया। अशोक भाई मिला तेरे को रास्ता? नहीं मिला। 2 hours later मिला भाई? भाई गलत जा रहा तू, अरे इसको कह रहा हूँ। ये मिल गया भाई एग्जिट का रास्ता, अब जाएंगे वहाँ पे ऊपर। फाइनली भूल भुलैया से निकल के अब जा रहे हैं भूत बंगले में, आए देखते हैं। ये है वो भूत बंगला, हम पकड़ रहे हैं शॉर्टकट। अरे कहाँ से जा रहा है यार, दांत तोड़वाने वाले शॉर्टकट है भाई। ऐसे आवाजें आ रही है, बहुत ना खतरनाक आवाजें आ रही है। नहीं आ रहा भाई, तो मोह में तुम्हारे बाहर बैठे ना बाबा ना, जैसे हिसाब से आवाजें आ रही है खतरनाक आगे लग रहा है मेरे को तो। एंट्री इसका उधर से है ना, हाँ तो खुला हुआ है, टॉर्च ऑन करनी पड़ेगी क्या? भाई मैं नहीं आ रहा भाई, मेरे को तो अभी से डर लग रहा है। मैं चल रहा हूँ, मैं भाई चल रहा हूँ, टेंशन की ले रहा हूँ, तीनों चलेंगे अंदर। ये क्या लिखा हुआ है? चलो भाई चलते हैं अंदर यार, आ जाओ आ जाओ आ जाओ आ जाओ। भाई सच में भूत बंगला है यार। ये कौन था? ये वो जगह है जहाँ पे भैरवनाथ था, भैरवनाथ भूत बैठ के पूजा करता था। चले भाई क्या कहते हैं? भाई सब बहुत सही में थक गया यार, ऊपर से भूत बंगला, दोबारा ना जाऊंगा मैं तो इसमें। अभी तो वैसे थोड़ा बहुत ही हुआ, अभी तो रह रहा है, पता नहीं और कितना चलवाएंगे यार। भाई नींद बड़ी अच्छी आई है वो देखियो। हाँ सही बात है, अभी तो सिर्फ बिस्तर चाहिए, बिस्तर आके सो जाना है, थोड़ा रेस्ट कर रहे हैं। आगे चलते हैं, बाकी सजेशन है एक बार विजिट जरूर करना, यहाँ विजिट जरूर करना। पैसा और टाइम दोनों वसूल। हाँ, रात को नींद भी अच्छी आएगी। हाँ, नींद भी बहुत अच्छी आएगी, बिस्तर पड़ते ही पता नहीं कहाँ नहीं आती। क्योंकि दोस्तों बात क्या है कि ये पहाड़ी इलाका है, यहाँ पे आपको ज़्यादातर चलना पड़ता है पैदल, तो ज़्यादा पैदल चलने में ज़्यादा एनर्जी लगती है, तो ज़्यादा एनर्जी जब वेस्ट होती है तो बंदा थकने लगता है। ये है छोटा ताल। हाय दोस्तों, एडवेंचर का बहुत एंजॉय कर रहे हैं और पूरी तरह से थक गए हैं, और खासकर थकान सबसे ज्यादा इसको महसूस हो रही है फिलहाल अभी। इसलिए कहते हैं जिम जिम जाया करो, थोड़ा वेट कम करो, उससे सही होएगा। योगा से होगा, खाने से नहीं होगा। वाई यू बोल मी। प्लस यहाँ पे पहाड़ी इलाके में उतार चढ़ाव इतने हैं तो बंदी की एनर्जी वैसे भी डाउन हो जाती है, तो मेरे को डर लग रहा है कि इसको पट्टी बिठा के ना ले जाना पड़ेगा घर पे। अगर आप भी आए तो पानी जरूर रखे और कोल्ड ड्रिंक भी रखे, एनर्जी ड्रिंक जरूर रखे साथ में, और एक हाथ उठाने के लिए बंदा भी साथ। वैसे फुल एंजॉय हो रहा है, मजा आ रहा है, मजा आ रहे हैं। वीडियो जरूर करना और लाइक और सब्सक्राइब जरूर करना यार। तो कैसा लग रहा है भाई, कैसा लग रहा है? पहले से हो रहा है यार भाई, बहुत टफ है। वो पूरी चबीरी में ले यार, रस्सी कब तो यार। अबे चल, रस्सी जमीन पे लगाने वाला कर दिया इसने। व्हाट इज डूइंग? ओह कर लेगा, अशोक कर लेगा। मजा मत आ रहा है। थोड़ा सा रह गया, चल यार, हजार हो यार। थोड़ा सा रह गया भाई। टफ है यार। ये देखिए एक्सप्रेशन। तो कैसा लग रहा है? मुझे बहुत इजी है। रस्सी पूरी जमीन छुआ दी यार, तेरे को क्या जरूरत है पहले सुनाने की? ये 2 बार रिजेक्ट हो चुका है, लेकिन उसको रस्सी पकड़ानी पड़ रही है। वेरी गुड, शाबाश। आधे में जीत के कैसा लगा आपको? वो क्या कर रहा है? झूला कर रहा, तेरे को मैं चलते हुए टाइम नहीं करूँगा। गाइस, हम बिल्कुल थक चुके हैं और हमारी जितनी भी एक्टिविटीज़ थे हमने सबको आपको दिखा दी है। सारी एनर्जी हमारी डाउन हो चुकी है इस टाइम, टाइम भी काफ़ी हो गया, तो यहाँ से जाने का भी टाइम लगेगा। आई होप आपको वीडियो अच्छी लगी होगी। प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब जरूर करिए और हमारा नेक्स्ट ब्लॉग आपको जल्दी ही मिलेगा। बने रहिए हमारे साथ, स्टे ट्यून्ड।